सर अभी जो पेपर हुआ था सर संडे को, तो उसमें आपके कितने जो साथी है उन्होंने पेपर दिया और कितने थे जिन्होंने नहीं दिया? मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1983 में से मात्र केवल 120 पीटीआईज ने पेपर दिया है, बाकी किसी भी पीटीआई ने पेपर नहीं दिया। और ये रणनीति हमने करीब 10 दिन पहले तय कर ली थी कि हमें कहाँ और कब किस अवस्था में रुकना है, और हम हरियाणा सरकार को पिछले 2 महीने से बता रहे थे कि भी हम पेपर नहीं देंगे, पेपर का बहिष्कार कर रहे थे। और वो जो पेपर देने वाले भी थे वो कहीं ना कहीं सरकार के संपर्क में रहे हैं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत लाभ को महत्व देते हुए परीक्षा देने का फैसला लिया है। और संघ समिति का जो फैसला था कि भाई कोई साथी जो अच्छे सूझवान और सामाजिक व्यक्तित्व रखते थे, उन्होंने पेपर का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। हम बहिष्कार करने वाले साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और सर जो जिन्होंने पेपर दिया आपके साथियों ने, उनको क्या कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? हम तो यही कहते हैं भाई पेपर दिया है ठीक है, अलग बात है, हम तो उसको समय की गलती मानते हैं, पता नहीं उनकी पारिवारिक या व्यक्तिगत स्वार्थ क्या मजबूरियां रही हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ संगठन होता है संगठन के साथ मिल करके चलो, संगठन का विशेष महत्व होता है, संगठन को तवज्जो देंगे हम, मिल के सार्थक प्रयास करेंगे तभी हमारे प्रयास फलीभूत होंगे। और सर जैसे कि सभी संगठनों का आपको समर्थन मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इन अपनी नीतियों से झुकेगी कहीं ना कहीं? समर्थन के कारण मैं 100% आश्वस्त हूँ कि सरकार को देर सवेर झुकना पड़ेगा और 1983 पीटीआई को पुनः बहाल करना पड़ेगा। जो कर्मचारी संगठनों का सहयोग हमारे को और सामाजिक पंचायती संगठनों का सहयोग है वो अति पूर्ण रूप से सराहनीय है, सभी संगठन हमारे साथ तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं। और सर अभी भी सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति ये होगी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, बड़ौदा उपचुनाव के अंदर सरकार को ऐसी पटकनी देंगे, सरकार ने आज तक सोचा भी नहीं होगा क्या उपचुनाव के दौरान या चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं, सरकार ने आज तक किसी भी राजनेता ने सोचा नहीं होगा, हम वो कार्य करके दिखाएंगे वहां पर। आपने ये किस तरह से प्लान किया था कि संडे के दिन कम से कम पीटीआई टीचर वहां पहुंचे, जिसमें कि अगर संगठन की हम बात करते हैं तो पीटीआई टीचर जिस तरह से एकता के रूप में उभरा है, तो आपकी क्या रणनीति रही है ये थोड़ा सा खोल के बताइए। संगठन हमारा बिल्कुल पहले दिन से पूर्ण रूप से मिल करके चल रहा है, हमारे अंदर किसी प्रकार का भेदभाव फूट नहीं थी, हम पहले दिन से ही सभी पीटीआई साथी एक साथ मिलकर के चले हुए हैं, हमारी एकता का ही परिचय है वो, हमारी संगठन की एकता का ही परिचय है कि भाई हम एक साथ इकट्ठे रहे और हम साथियों ने पेपर नहीं दिया। मेरा कहना तो ये था सर, जैसे कि ना ही मीडिया के ना ही सीआईडी के किसी के संज्ञान में नहीं था कि कहाँ है आप, तो ये किस तरह की रणनीति आपकी थी? ये रणनीति सर ये थी भाई, अगर हम अलग अलग धरनों पे होते तो मैसेज शरारती तत्व सरकार की तरफ से ऐसे मैसेज आते कि भाई फलाना जिला पेपर देने पहुंच गया है तो दूसरे जिले भी जाते, इसलिए हमने 10 दिन पहले ये रणनीति तय कर ली थी, वह सभी जिलों के महिला और पुरुष पीटीआई एक साथ एक जगह इकट्ठे होंगे ताकि सबका मनोबल उच्च रहे और सभी साथी ये रहें कि भाई कोई भी परीक्षा नहीं दे रहा। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी सरकार चाहती थी उन्होंने अपने मन की 1983 का जो टेस्ट लेना था हमने नहीं दिया, हमने विरोध किया, वो अपना काम कर चुके हैं, मगर बड़ौदा उपचुनाव में हम ये दिखा देंगे हम उनका टेस्ट लेंगे, अब हमारी बारी है, उनकी बारी आ चुकी है, अब हमारी बारी है, हम उनका टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, पेपर बिल्कुल क्या करें छप लिए उनके नाम के, हम देख लेंगे। तो मैडम आप बड़ौदा चुनाव की जैसे आपने बात की अभी, तो बड़ौदा उपचुनाव में पीटीआई की बात करें तो किस प्रकार का प्रचार आप करेंगे सरकार विरोधी नीतियों के बारे में? मैं तो एक के बात कहूँगी, मैं उड़द बड़ौदा हल्के की हूँ, कोई भी बीजेपी ने और जेजेपी ने वोट ना दियो, मैं तो यही कहूँगी, मैं वहीं की लड़की हूँ। क्या नाम मैडम आपका? मैं हूँ श्वेता। कौन से कहाँ से है मैडम? मैं गोहाना से हूँ जी, प्रॉपर गोहाना से, और आसपास ही मेरी रिश्तेदारी है। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका।